मिलेनियम कॉलोनी दोहरे हत्याकांड के आरोपी मुकुल सिंह के विरुद्ध पुलिस ने धारा 376 का मामला भी पंजीबद्ध कर लिया है। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिए गए मुख्य आरोपी मुकुल सिंह को लेकर पुलिस की टीम शनिवार की शाम मौका वारदात पर पहुंची, जहां पूरी वारदात को रिक्रिएट किया गया। इधर पुलिस ने मृतक राजकुमार विश्वकर्मा की नाबालिग पुत्री का चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया। पुलिस की एक टीम जल्द ही आरोपी मुकुल सिंह को बेंगलुरु लेकर जाने की तैयारी कर रही है। मिलेनियम कॉलोनी दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुकुल सिंह को पुलिस की टीम शनिवार की शाम मिलेनियम कॉलोनी स्थित घटनास्थल पर लेकर पहुंची, जहां पूरी वारदात को रिक्रिएट किया गया। इस दौरान मुकुल से पूछताछ कर साक्ष्य संकलित किए गए। इधर पुलिस ने मृतक राजकुमार की नाबालिग पुत्री के बयान दर्ज करने के बाद लेडी एल्गिन अस्पताल से उसका मुलायजा कराया। पुलिस ने मुकुल के विरुद्ध धारा 376 का एक प्रकरण और दर्ज किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी मुकुल सिंह से पूछताछ की गई। पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि हत्या के दौरान हत्या के बाद दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए थे। इसके साथ ही फरारी के दौरान भी दोनों ने जिन ट्रेनों में सफर किया, उन ट्रेनों के स्टेशन प्लेटफॉर्म से निकलने के पहले वे स्टेशन पहुँच गए थे, जहाँ ट्रेनों में दोनों शारीरिक संबंध बनाया करते थे। उसी को जो हमने अभी तक एक्सपेक्ट, क्योंकि अभी तक आरोपी हमारे पास था नहीं, अभी उसको लेके आने से, अब वो एक्चुअल जो घटना हुई थी उसने जैसा बताया उसको हमने जो अभी तक जो हमने इन्वेस्टिगेशन में पाया है उसके साथ मैच किया है, तो लगभग वो मैच हुआ है जी। तो इसमें शारीरिक संबंध बनाने की बात आई घटना के दौरान, पहले हत्या के बाद जी? घटना के बाद और ब्लड वगैरह साफ करने के बाद उन लोगों ने ऐसा किया है, उसकी भी साक्ष्य मिले। हाँ, जब इन लोगों के पास पैसे ख़त्म हो गए थे तो इन लोगों ने ट्रेनों का जो शताब्दी ट्रेन है उनका जो बचा फूड रहता है जो पैसेंजर छोड़ जाते हैं वो भी उनने खाया है, लंगरों में भी खाया है, भंडारों में भी खाया है, खा के पैसे ख़त्म होने से ऐसे काम चलाया है। 376 जो दर्ज किया है वो किन किन आधारों पर दर्ज किया, क्या? चूँकि वो बच्ची माइनर है और उसके कंसेंट का कोई मतलब नहीं है, उसकी सहमति का कोई मतलब नहीं है और वह माइनर है, उसके साथ ऐसी घटना घटित हुई है, तो इसलिए हमने आरोपी के खिलाफ 376 दिखाई थी। ट्रेनों में भी सर फिजिकल रिलेशन बनाए गए थे जी। उन्होंने हमें बताया है कि जब वो ट्रेन से यात्रा करते थे तो वो जब ट्रेन स्टार्ट होती थी, जो भी डिपार्चर टाइम था उसके 2 घंटे पहले आ जाएगा, जब ट्रेन खाली होती थी तो उस समय ये सब चीज़ें हुआ करती थी। पुलिस को आरोपी मुकुल के शरीर पर 5 खोपड़ी वाला शैतानी टैटू भी मिला है, जिसका राज फाश करते हुए उसने पुलिस को बताया कि उसका प्लान 5 लोगों की हत्या करने का था और इस बात को याद रखने के लिए उसने टैटू बनवाया था। टैटू उसने पूछताछ में बताया है आरोपी ने कि उसने जब वो जेल से बाहर आया था 376 के मामले, जब वो जेल गया था उसके बाद बाहर आया था तो उसने उसके अंदर जो बदले की भावना डेवलप हुई थी तो उसने टैटू बनवाया था शैतान का चित्र और उसमें 5 खोपड़ियाँ लगी हुई थी और 5 खोपड़ियाँ 5 व्यक्तियों का प्रतीक है जिनकी उनको हत्या करनी थी। वहीं अब पुलिस आरोपी मुकुल सिंह को जल्दी ही बेंगलुरु ले जाने की तैयारी कर रही है। रविवार को संभवतः पुलिस नाबालिग बालिका को भी न्यायालय के समक्ष पेश कर सकती है।